अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट एक सेक्शन है, वहां पे आप जाके यहां सारी की सारी चीजें फोल्डर वाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 180। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है 180 डिग्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी की वैल्यू ज्ञात करो। देखो, ये तो मैं अगेन लास्ट में बताऊंगा, रिजल्ट्स तीन हैं, वो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछी जाती हैं, सी एच एस एल एग्जाम में हो या एस एस सी सी जी एल में हो या आपको मेन्स टायर टू में भी क्वेश्चन वो चीज़ें पूछे जाते हैं डायरेक्टली। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए प्लस बी को एक साइड रखते हैं, सी को इधर ले जाते हैं 180 माइनस सी। तो अब देखो इसमें फिर क्या लगा देते हैं, टैन बोथ साइड लगा देते हैं, टैन ए प्लस बी क्या हो जाएगा टैन 180 माइनस सी। अब देखो थोड़ा सा अपने माइंड में रखो, टैन ए प्लस बी का फार्मूला मैंने बताया था कि टैन ए प्लस बी का क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन को समझ पाए। देखो अब बात आती है यहाँ पे, देखो कि टैन ए, इसको मैं फार्मूला लिख लूँ, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू क्या टैन बी इज इक्वल टू, अगेन आपको एक चीज़ समझाता हूँ, 0, 90, 180, 270 और ये क्या 360। 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा छोटा, इसमें क्या होता है टैन क्या होता है निगेटिव होता है, तो लो ये क्या बन जाएगा माइनस टैन थी। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रख सकते हो कि 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस टैन थीटा होता है। ठीक है, नहीं तो मैं बेस्ट मानता हूँ ये डायग्राम्स को क्योंकि कभी गलतियाँ ही नहीं होती। अब देखो सिंपल सा चीज़, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, टैन ए प्लस टैन बी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इसमें हो जाएगा तो क्या माइनस टैन सी, अब मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर लेना और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टैन ए इंटू टैन बी इंटू क्या टैन सी। अब देखो इस टैन को टैन सी को इधर ला दो तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी क्या हो गया इधर टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ थी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट याद कैसे रखोगे, रिजल्ट में तीन रिजल्ट बताऊंगा, वो चीज़ें याद रखनी है। देखो रिजल्ट्स क्या है, कभी भी देखना तीन रिजल्ट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो तो रिजल्ट नंबर 1 टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी अगर दिया हो, वैल्यू पूछ रहा है तो एक प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीपल में हो जाता है, टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी हो जाता है। दूसरा रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ऐसे दे दिया जाए 1 बाई टैन ए इंटू टैन बी दे दे प्लस 1 बाई टैन ए इंटू टैन सी दे दे प्लस 1 बाई टैन ए इंटू सॉरी टैन बी इंटू टैन सी दे दे टैन सी दे दे, ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ ए इंटू बी ले लिया कोई दिक्कत नहीं, बी इंटू सी ए सी देखो यानी कि ए बी एक साथ होना चाहिए, एक बार बी सी होना चाहिए, एक बार सी ए होना चाहिए, अगर ऐसा भी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। थर्ड केस क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस इसी का अपोजिट, ये क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा, कॉट बी ये वाला कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1। वही चीज पहले एक बार ए बी बी सी और सी ए, ऐसा भी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये रिजल्ट्स आपको याद रख लेने हैं, बहुत ही काम आएगा, आप कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लो कि ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में मेंस में डायरेक्ट ये चीज़ें पूछी हुई हैं, ये वाली फर्स्ट वाली रिलेशन तो मेंस में भी आपको काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स है डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या देखो 4 प्लस 2 रूट 3। अगेन एक चीज़ थोड़ी सी मैं समझा दूँ आपको, मैंने एक जीपी सीरीज बनाई, जीपी सीरीज पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, अगर नहीं पढ़े हैं वो देख लें, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा मैंने 42 वीडियोज में कंप्लीट किया है, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखो मैंने वहाँ पे बताया था कि जीपी में कोई भी चीज़ हो ए ए आर ए आर क्यू ऐसे डॉट डॉट ए इनफाइनाइट तक जाए तो इसका समेसन एस इन्फिनिटी समेसन क्या पता था कि ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर एक फार्मूला होता है वेयर
ए इज द क्या होता है इनिशियल टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। तो देखो आर कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे देखो आर हर केस में सेम है, देखो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो गई साइन एक्स। जीपी की सीरीज लग रही है आपको, जीपी की सीरीज आपको पकड़नी पड़ेगी, इतनी सेंस से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हर केस में क्या है इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो सेम आ जाएगा। तो बस फार्मूला लिख लो एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी क्या होगा ए, ए की वैल्यू फर्स्ट इनिशियल टर्म कौन सा है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है साइन एक्स, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है फोर, क्या है तुम्हारी फोर प्लस टू रूट थ्री, यानी इसी की वैल्यू तो गिवन है। लो वन डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया फोर प्लस टू रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, देखो x की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करूं, देखो इसका रेशनलाइज कर लेता हूं, रेशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4 माइनस टू रूट थ्री, ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, रेशनलाइज कर लिया तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, इधर क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, चार का इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, सोलह माइनस चार या बारह डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा फोर माइनस टू रूट थ्री। मैं एक सेकेंड इरेज कर लूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर करा सकूं। जैसे देखो यहां के बाद आपको करना क्या है वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां के बाद आपको ये करना है, यहां से देखो उठाओ, यहां से लेके हम इधर चलते हैं। देखो वन डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है ऊपर क्या हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू रूट थ्री। अब देखो ऊपर वन है तो वन ऊपर करना है तो चार से भाग कर लेता हूं, चार से इधर भाग कर लेता हूं चार से, तो देखो वन डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स, इसको चार से भाग कर लूंगा तो क्या हो जाएगा वन, नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस टू को भाग करूंगा चार से तो कितना हो जाएगा वन बाई टू, यानी कि रूट थ्री बाई टू। अब देखो ये इससे कंपेयर हो गया, अब कंपेयर में देखो वन ऊपर सेम है वन सेम है, यानी साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल, तो लो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया रूट थ्री बाई टू। तो साइन थीटा, साइन थीटा कब रूट थ्री बाई टू होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री हो। तो यहां से एक्स अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू किसकी है साइन 60 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, कोई दिक्कत है। इस तरह से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री, और यही तो क्वेश्चन कर रहा था कि x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर इतना इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करो। मैंने एक रिजल्ट बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन होता है कब जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो। तो हम चेक करते हैं क्या ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो ये ए है और ये क्या है बी है, मैं चेक कर लेता हूँ 40 प्लस 2x प्लस 50 माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल और 50 40 क्या हो गया 90 डिग्री एस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 1, कोई दिक्कत है, इतना क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ, सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कॉस 15 कॉस 7.5 डिग्री साइन 7.5 डिग्री, यानी साइन की वैल्यू ज्ञात करो, तो मैं ऐसे ही इसको कॉस को ऐसे ही रखता हूँ कॉस 15 डिग्री इंटू, अब थोड़ी सी मैंने एक फार्मूला बताई थी कि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, लो ये मैंने बताया था। अब यहां पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा तो है 2 नहीं है, कॉस थीटा साइन थीटा 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से क्या कर लेता हूँ डिवाइड कर लेता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाएगा तो यही रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 7 सही 1 अपॉन 2 साइन 7 सही 1 अपॉन 2। अब ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख दूँ कॉस 15 डिग्री इंटू 1 बाई 2 को ऐसे ही रख दूँ, ये क्या हो जाएगा साइन, ये देखो साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 7.5 डिग्री 7 सही 1 अपॉन 2, कोई दिक्कत। तो अब अपने से सोचो ये देखो कॉस 15 डिग्री इंटू 1 बाई 2 को ऐसे ही रहने दो, अब देखो 7.5 का मतलब कितना होता है 15 बाई 2 इंटू 2, ठीक है यानी कैंसिल, यानी ये क्या बन गया तुम्हारा साइन 15 बाई 2, ये इसकी वैल्यू 15 बाई 2 होगी 2 से 2 कैंसिल साइन 15 डिग्री, कोई दिक्कत है। अब देखो 1 बाई 2 मैं इधर रख लेता हूँ, इन दोनों को ऐसे करता हूँ साइन 15 डिग्री इसको लिखता हूँ यहाँ पे और इसको लिख देता हूँ
कॉस 15 डिग्री। अब फिर मैं क्या करूंगा, 1/2 तो ऐसे ही रहने दो, इसको मैं देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, दो से मल्टीप्लाई करूं तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 15 × cos 15 लिख दिया, कोई दिक्कत है? लेकिन ये तो कर दिया, तो इसके साथ साथ ये 2 तो अपने से किया होना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा अपने से, तभी तो ये कट के 1 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, 1/4 इधर बन गया और इधर 2 sin 15 × cos 15 डिग्री। अब 2 sin θ × cos θ क्या, तो sin 2θ, यानी क्या हो जाएगा 1/4 × ये क्या हो जाएगा sin 2θ, sin 2θ की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 1/4 × sin 30 डिग्री, और 1/4 × sin 30 कितना होता है 1/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1/8, तो 1/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 ये कर रहा है कि कॉस, मैं लिख देता हूँ 20 °cos 40° × cos 60° × cos 80°। अब देखो जिसकी वैल्यू पता है उसको तो वैल्यू पता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, रिजल्ट क्या बताया था, कॉस थीटा ये 20 है ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 − θ × cos 60+θ, ये मैंने बताया था क्या होता है 1/4 cos 3θ। अब देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितनी है 20 डिग्री, ये आपको लग रहा है 60 − θ, क्योंकि 60 − 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, और ये बन रहा है 60+20, यानी कि 60+θ, यानी कि ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे 1/4 cos 3θ, 3 × θ की वैल्यू कितनी है 20, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू 1/4 × cos 60 कितना होता है, ये क्या बन जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 × 1/2, यानी कितना हो गया 4 × 2 = 8 × 16, 1/16 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर 1/16 आ गया। हम अब पढ़ते हैं इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं भी दिखे आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिख जाए, विषमघात का मतलब क्या है, ऑड नंबर दिखे इसके पे, इस पे पावर क्या हो ऑड नंबर, जैसे साइन क्यू थीटा दिख जाए, साइन 5θ दिख जाए, ऑड पावर यानी जिसको बोलते हैं विषमघात, तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब समघात दिख जाए, समघात का मतलब ऐसे भी दिख सकता है साइन 4θ साइन 6θ, तो ऐसे जब भी दिखे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। टैन थीटा और कॉट थीटा का विषमघात हो, विषमघात का मतलब कि टैन क्यू थीटा हो, टैन 5θ भी हो जाए, 5θ भी हो, टैन पे पावर 5θ भी हो, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है -∞, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी टर्म हो पूछेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे तो क्या समघात हो, टेन फोर थीटा, टेन कॉट फोर थीटा या टेन सिक्स थीटा, कुछ भी आ जाए इस तरह के, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं, पूछता है मिनिमम, ठीक है। उसी तरह अगर सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा और कोसेक थीटा हो, अगर इस पे विषम घात हो, जैसे सेक क्यू थीटा हो, कोसेक क्यू थीटा हो, विषम घात हो जिसको बोलते हैं ऑड, तो उसका ऑड पावर यानी तो उस पे क्या है मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू -∞। ये भी विषम घात नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता एग्जाम में, एग्जाम पूछे गया समघात 6 sec 4θ कोसेक 10θ, समघात हो पावर तो उसकी वैल्यू क्या होती है +1 और मिनिमम वैल्यू +1 और मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, 51 इस पे क्वेश्चन नहीं है, 51 को ऐसे मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा माइंड में सोचो। मैंने एक फार्मूला बताया था sin θ sin 60 − θ sin 60+θ हो तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 sin 3θ होता है। तो देखो इसको मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ, तो ये तो तुमको पता चला कि 60 − θ है, क्यों, क्योंकि 60 − θ की वैल्यू क्या है 12, तो 12 करोगे कितना हो जाएगा 48। लेकिन अगर मैं 60+θ करूँ, यानी कि 60+12 करूँ तो 72 होता है, तो 72 दिया नहीं है, तो एक अपने से मैं करूँगा, देखो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ sin 12° × sin 48। अब ये तो दिया नहीं है ना, साइन 72 दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ साइन 72 अपने आप ले रहा हूँ, तो उसी को डिवाइड भी कर रहा हूँ साइन 72, कोई दिक्कत है। और ये साइन 54 दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये अब बन गया ये थीटा, ये क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू 12, तो ये 60 − θ, यानी 60 − 12 करोगे तो कितना होगा 48, इसको मैं करूँगा तो 60+12 तो कितना हो जाएगा
872, तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या फार्मूला होगा, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा 12 इंटू 3, 3 इंटू 12, कोई दिक्कत है? और उसके साथ साथ ये हमारा एक्स्ट्रा हमने किया था, तो 1/70 इंटू क्या, साइन 54। अब तुम थोड़ा सा माइंड में ये सोचो, ये 1/4 हो गया, ये कितना हो गया, साइन 36 डिग्री, और ये क्या हो गया, साइन 36 डिग्री, और ये क्या बन गया, 1/72 डिग्री इंटू ये क्या हो गया, साइन 54 डिग्री। अब देखो एक चीज मैंने अगेन आपको बता दूं, मैंने बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस बी, कब होता है, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। अगर साइन, अगर देखो साइन 72 डिग्री है तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 36 डिग्री, क्यों, क्योंकि 72 प्लस 36 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं, देखो साइन, देखो ये साइन 72 है ना, साइन 72 देखो यहां पे ले जाता हूं आपको, देखो 1/4 इंटू साइन 36 को ऐसे ही रख लो, साइन 36 तो हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा आपके पास ये सोचो कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस 36, तो देखो कॉस 36 मैं लिख सकता हूं, तो अब इसको लिखने की भी देखो थोड़ा सा वे समझो कि, चलो मैं आपको बताता हूं, देखो 72 और 36 नहीं, देखो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, देखो 54 और 36 को जोड़ोगे, देखो 54 और 36 को जोड़ोगे, मैं इसको ले रहा हूं 54 को, तो देखो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, साइन 72 इंटू क्या, साइन 54। अब देखो 54 साइन 54 को मैं लिख सकता हूं ना कॉस 36, क्योंकि 54 और 36 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो लो इसको मैं लिख देता हूं क्या, कॉस 36, तो देखो हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, 1/4 इंटू साइन 36, इसको मैं लिख दिया कॉस मल्टीप्लाई कॉस 36, कॉस 36, और इसको मैं रहने देता हूं ऐसे ही 1/sin 72, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी मैं कल हटा देता हूं, कलर इरेज कर देता हूं, देखो यहां पे देखो, देखो अब यहां पे आता है कि देखो 1/4 तो हो गया, अब देखो इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं, ये तो है नहीं, देखो साइन 36 इंटू क्या कॉस 36 एक साथ ले लेता हूं, 1/70 साइन 72 अलग कर देता हूं। आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 θ होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपने से, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर 1/8 हो गया, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा बन गया, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन 2 θ, साइन 2 इंटू 36 इंटू क्या, 1/sin 72। अब देखो साइन 72 ये भी बन गया, साइन 72 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1/8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चीजें आपको मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट बताए थे, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज मैं दिखाता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या अधिकतम मान और न्यूनतम मान, यानी अधिकतम मतलब क्या मैक्सिमम और न्यूनतम मतलब क्या मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मैंने अगेन आपको यहां पे देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा अगर समघात के फॉर्म में हो तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लो अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो 15 को ऐसे ही रख दो, एक बार मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि 15 क्या हो गई मिनिमम आंसर, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16, इसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसके लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, फिर वही चीज साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की क्या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो 15 अगर -0 करूंगा तो 15 क्या देगा, मिनिमम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान, और अधिकतम मान के लिए क्या, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना, प्लस 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा इसका अधिकतम मान। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 10 प्लस क्वेश्चन कर रहा है sec स्क्वायर थीटा, मैंने अगेन बोला था यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो sec स्क्वायर थीटा यानी कि समघात हो, देखो समघात हो तो मिनिमम प्लस 1 होता है और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होता है, यानी कि रिजल्ट्स क्या है कि sec पे अगर घात जो हो सम संख्या हो, सम थीटा हो, तो उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। तो देखो मैंने मिनिमम वैल्यू बताया था कि अगर देखो sec पे हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वो चीज़, यानी कि sec 4θ हो या sec स्क्वायर थीटा हो या sec 6θ हो, यानी कि सम संख्या हो, सम पावर हो, सम घात हो, यानी कि क्या हो, इवन पावर हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है।
तो देखो अपने से तुम सोचो कि मिनिमम, देखो मिनिमम का मतलब क्या, न्यूनतम मान, तो क्या लिखूंगा 10 प्लस मिनिमम कितना होता है 1, तो यानी कि 11, लेकिन मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10 प्लस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता, मैंने अगेन बोला हूं, तो ये क्या निकाल सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो, या कैन नॉट फाइंड, मतलब अधिकतम घात, अगर हिंदी में बोलना है तो अधिकतम घात, अधिकतम घात नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते या नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, मैंने अगेन ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया है तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि ए इतना और इतना का न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालो। तो मैं देखो इसके लिए मैं एक फार्मूला भी बता देता हूं, ए साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों में जो बड़ा हो, अगर दोनों में जो बड़ा हो, अगर जो बड़ा होगा दोनों में वो अधिकतम, देखो जो बिग होगा दोनों में, ए और बी की वैल्यू में जो बड़ा होगा वो अधिकतम घात देगा। ठीक है, और जो छोटा होगा वो क्या देगा, न्यूनतम घात देगा। जैसे इसमें देखो 15 और 10 में कौन बड़ा है, ये वाला फॉर्म आ गया ना, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जो बड़ा है 15 बड़ा है, तो 15 क्या हो जाएगा इसका अधिकतम तम घात। ठीक है, और जो छोटा है, छोटा कौन है 10 है, तो 10 क्या होगा न्यूनतम घात। फॉर एग्जाम्पल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मिनिमम, अगर मैं बोलूं मिनिमम घात बताओ, मिनिमम मान बताओ और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू दोनों में कौन सा छोटा है, जो छोटा है मिनिमम हो जाएगा, जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ओरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं ये बता चुका हूँ कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा हो, जैसे देखो मैंने ये बता चुका हूँ कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसमें कहे कि मिनिमम वैल्यू बताओ और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, और जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा दोनों में मिनिमम वैल्यू देगा और जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं बोलूँ मिनिमम वैल्यू और बोलूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मिनिमम है, मिनिमम कौन है 2 और 6 में मिनिमम कौन है 2 है, तो 2 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और 6 बड़ा था तो 6 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये चीज़, यही चीज़ लिखी हुई थी, इसको हम इनिग्लेट करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया वो चीज़ आप याद कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये याद रख लो, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा हो, इनटू में हो, ठीक है, इनटू में हो, तो उसका अधिकतम घात क्या, अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1/2 पे पावर एन होता है, और न्यूनतम मान में दोनों में पंगा पड़ता है। न्यूनतम में क्या, अगर एन सम हो, सम मतलब सम संख्या हो, जैसे साइन 4 थीटा इनटू कॉस 4 थीटा हो, तो अब सम हो तो न्यूनतम घात 0 होता है, अगर विषम हो जाता है यही साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा होता, तो मैक्सिमम घात की, मिनिमम घात की, न्यूनतम घात कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर एन। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो चीज़ देखो, क्वेश्चन यही आ गया, देखो अभी हमने पढ़ा था, देखो साइन, क्वेश्चन कर दिया साइन 110 थीटा इंटू कॉस 110 थीटा, अगेन देखो मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन अधिकतम घात तो ये होता है कुछ भी रहे, और सम रहे तो न्यूनतम घात क्या होता है 0, तो देखो यहाँ पे सम संख्या ना 110 क्या है, एक सम संख्या, 2 से भाग चला जाता है, तो अधिकतम घात, अधिकतम घात के लिए मैंने क्या बोला था, अधिकतम घात के लिए, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, अधिकतम घात के लिए आपको मैंने 1/2 पे पावर एन बोला था। अब देखो 1/2 पे पावर एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 110, लो 2 पे पावर 110, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगर न्यूनतम घात की बोला जाए, न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात मैंने आपको बताया था, अगर एन सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो आपको क्या न्यूनतम घात 0 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हूँ, देखो 0 हो जाता है, तो ये इसकी न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, न्यूनतम वैल्यू यानी कि जिसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, वो क्या हो जाएगी आपको 0 हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम क्या मिल गया 1/2 पे पावर 110 मैक्स, और मिनिमम 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही चीज आ गया, साइन, देखो साइन 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, मैंने अगेन बताया था ऐसे कि अगर हमारे पास साइन एन थीटा हो और कॉस एन थीटा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या होती है 1/2 पे पावर एन, और एन विषम संख्या हो तो मैंने बताया था कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1/2 पे पावर एन। अब देखो एन क्या है 5 है ना, पावर क्या है 5, 5 क्या है विषम संख्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/2 पे पावर एन,
वन बाई टू पे पावर एन का मतलब वन बाई टू पे पावर फाइव, और मिनिमम वैल्यू की बात बोली जाए तो माइनस वन बाई टू पे पावर एन, यानी कि माइनस वन बाई टू पे पावर फाइव। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये क्या हो जाएगा वन बाई थर्टी टू, और ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई थर्टी टू, क्योंकि टू पे पावर फाइव कितना होता है थर्टी टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या करा है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बता दूं कि साइन टू पे पावर टू एन पे पावर थीटा और कॉस टू एम पे पावर थीटा हो तो इसका अधिकतम वैल्यू क्या होता है, अधिकतम वैल्यू होता है वन। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे पास साइन एट थीटा प्लस कॉस फिफ्टीन थीटा, टू का मल्टीपल है, दो का मल्टीपल दो इंटू चार, ये भी दो का मल्टीपल है दो इंटू सात, और प्लस में है, तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी वन। इस फार्मूले से हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 क्या कर रहा है, अब अगेन मैंने ये चीज बताई थी, देखो साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा, टू का मल्टीपल है टू इंटू टू, टू का मल्टीपल है, मैंने बोलाया था कि टू एन मल्टीपल, अधिकतम घात कितनी होती है इसकी वन, डायरेक्ट आंसर याद कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीजें याद रखना, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीजें वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे आया है वो भी चीज एक बार मैं बता देता हूँ, साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर देखो एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, दूसरी साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा, उसी तरह वन माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है टू के बदले थ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज थी। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन कर दिया कि साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा की अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू याद करो। ठीक है, अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करो। देखो तो अधिकतम वैल्यू तो आप इस तरह से भी निकाल सकते थे कि साइन एन टू एन, देखो साइन टू थी, यहाँ पे देखो मैंने एक फार्मूला बताया था साइन टू एन थीटा प्लस कॉस टू एन थीटा, साइन टू एन थीटा प्लस कॉस टू एन थीटा हो तो इसका अधिकतम घात कितना होता है वन, तो यहाँ से तो हम अधिकतम घात निकाल सकते थे कि इसकी क्या होगी वन, क्योंकि अधिकतम वैल्यू क्या हो जाती है डायरेक्ट वन, क्योंकि टू का मल्टीपल था टू इंटू टू, इधर भी टू इंटू टू, लेकिन अधिकतम घात बट न्यूनतम घात का हमने कोई चीज नहीं किया था, इसीलिए हम इस फार्मूला से यूज करेंगे। जैसे देखो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ कि क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, तो इसका मैंने दो चीज बताया था कि अगर न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है जीरो और अधिकतम वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू पे पावर एन, मैंने बताया था कि अगर एन सम संख्या हो तो न्यूनतम घात जीरो और मैक्सिमम घात इतनी होती है, अगर एन विषम संख्या हो तो भी मैक्सिमम घात तो इतना होता है, मिनिमम घात क्या हो जाता है माइनस वन बाई टू पे पावर एन, तो यहाँ पे सम संख्या है तो इसकी मिनिमम, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो, तो वन माइनस टू इंटू, देखो वन माइनस टू इंटू जीरो तो इसकी क्या हो जाएगी वन, वन क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी और थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा क्या माइंड लगाना है आपको, थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो इसकी मैंने क्या लिखा ला न्यूनतम वैल्यू, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमें न्यूनतम वैल्यू निकालना है ना, देखो वन इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा था ये वाला देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वन में से कुछ घटाऊंगा, अगर ये वाला सेक्शन ये वाला पोर्शन अगर बड़ा होगा तो न्यूनतम वैल्यू देगा, अगर ये वाला सेक्शन छोटा होगा तो क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर मैं इसका बड़ा वैल्यू ले लूँ, बड़ा वैल्यू का मतलब क्या वन बाई टू पे पावर एन, यानी देखो इसकी वैल्यू ले लूँ टू इन टू, इन दोनों की वैल्यू अगर वन बाई टू मैक्सिमम कितना होता है वन बाई टू पे पावर एन, तो वन बाई टू पे पावर एन की वैल्यू कितनी है टू, यानी कि वन बाई फोर ले लूँ, वन बाई फोर यानी कि ये कैंसिल हो गया कितना हो गया टू, वन माइनस वन बाई टू यानी कि कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो ये क्या देगा न्यूनतम वैल्यू देगा, अगर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर इसकी वैल्यू हम छोटा वैल्यू लें जीरो लें तो वन माइनस जीरो यानी ये क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो थोड़ा सा ये चीज़ें याद रख लेना, कह रहा है कि साइन
2n थीटा हो और प्लस cos 2m थीटा हो, तो इसका अधिकतम घात तो हमें पता है, अधिकतम घात कितना होता है 1। अगर न्यूनतम घात निकालना हो, न्यूनतम घात निकालना हो, तो पुट थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 45 पुट कर दिया करो, न्यूनतम वैल्यू मिल जाएगा। और इस तो ये आपका अधिकतम घात और न्यूनतम घात। एक ये चीज होती है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, अगर अधिकतम की बात किया जाए, अधिकतम वैल्यू क्या होगा, तो देखो ऐसे कर लेना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर न्यूनतम किया जाए तो इसी में माइनस लगा देना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। अभी मैंने फार्मूला बताया था अधिकतम घात इसका क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने बताया था ना, साइन टू एन थीटा हो प्लस कॉस टू एम थीटा हो, तो अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम घात होती है 1 मैक्स, और मिनिमम सॉरी मान और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने अगेन फार्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखना, तो अधिकतम वैल्यू तो 1 हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू के लिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 रखूंगा, 40 साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 भी कितना होता है 1 बाय रूट 2 पे पावर 4, यानी ये तो बन जाएगा आपका 1 बाय 2 और ये बन जाएगा क्या 1 बाय 4, 1 बाय 2, 1 बाय 4, 4 एलसीएम, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 उसका क्या हो गया न्यूनतम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, मैंने अगेन बताया था ऐसा फॉर्म हो तो अधिकतम घात क्या होता है 1 और न्यूनतम घात मैक्सिमम घात ये हो गया, न्यूनतम घात न्यूनतम वैल्यू के लिए सॉरी न्यूनतम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या करना है 45 डिग्री रखना है, तो लो इसमें रख देता हूँ, साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 का क्या 6 प्लस कॉस 45 भी 1 बाय रूट 2 का 6, कोई दिक्कत है। अब देखो 1 बाय रूट 2 का मतलब क्या हो गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 बाय रूट 2 का 6 है, यानी कि 1 बाय देखो 1 बाय 2 का लिख सकता हूँ क्यूब, क्यों देखो 1 बाय रूट 2 का ऐसे लिख देता हूँ 3 × 2, यानी ये समझ में आ गया, या अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम देखो 1 बाई रूट 2 पे पावर 6 है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, 1 बाई रूट 2 का क्या करता हूँ स्क्वायर इंटू 3 कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पे पावर क्या कर लेता हूँ क्यूब, क्योंकि ये अंदर आ जाता है, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 पे पावर क्यूब प्लस 1 बाई 2 पे पावर क्यूब, क्यों, क्योंकि 1 बाई रूट 2 को मैं लिख पे पावर 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर और उस पे पावर क्या 3, तो 3 × 6 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 1 बाय 2 पे पावर क्यूब, तो 1 बाय 2 पे पावर क्यूब 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 यानी कि 2 बाय 8 या इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 4, यानी 1 बाय 4 क्या हो गया न्यूनतम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अगेन आपको ये क्वेश्चन बताया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, तो इसका न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू, दोनों मैंने बताया था क्या होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूनतम मैक्सिमम कहेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये ए है और ये बी है, न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम क्या है माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि माइनस रूट 25, माइनस 5 मैक्सिमम का था तो क्या हो जाता है 5 हो जाता, क्योंकि यही चीज होता है पॉजिटिव में होता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करें 27 पे पावर साइन थीटा इंटू 81 पे पावर कॉस थीटा, मैंने एक फार्मूला आपको अगेन बताया था, देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है अंदर रूट माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है प्लस में यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 3 sin θ + 4 cos θ, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू अंदर रूट ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5 और मिनिमम वैल्यू -5, तो इसमें मैं कर लूँ इसको मैं कैसे करूँगा, मैंने देखो 27 को 3 का क्यों लिख दूँ 3 sin θ हो गया, ठीक है मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकता हूँ 3 पे पावर क्या लिख सकता हूँ 4 cos θ हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक तो आसान है। अब मैं 3 को ये देखो ए पे पावर एक्स इंटू ए पे पावर वाई हो तो क्या हो जाता है ए पे पावर एक्स प्लस वाई, लो 3 3 पावर सेम है तो इसको मैं 3 इन दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 3 sin θ + 4 cos θ और इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल दिया है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा -5, यानी 3 पे पावर -5 मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा इसका, क्योंकि इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया है और मैक्सिमम वैल्यू कितना मैंने निकाला था 5, 3 पे पावर 5 इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है
क्वेश्चन कह रहा है देखो कि टेन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान लिख लो। तो एक फार्मूला, दो तीन फार्मूला है, वो याद रख लेना। कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही अगर मैं इसको भी एक और वे से बोल सकता हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और वे से बोल सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और वे से बोल सकता हूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत ही काम आने वाला है आपको। एक और फार्मूला बहुत ही काम आता है, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको काम आने वाला है। तो यानी ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए जुबान पे। देखो कैसे हम यूज करेंगे इसका, इरेज कर लेता हूँ। जैसे देखो टेन, यहाँ पे देखो तुम थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो टेन को मैं लिख सकता हूँ, देखो फाइव इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस टू थीटा। इसको मैं लिख लिया कॉस टू थीटा। दूसरी चीज मैंने एक चीज और बताया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। मैं इसको क्यों ब्रेक किया हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा क्या, साइन टू थीटा। लो हमने लिख लिया फाइव साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने एक फार्मूला बताया ही था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर। पच्चीस का, देखो पाँच का स्क्वायर कितना हो गया, पच्चीस, और वन का स्क्वायर कितना होता है वन। यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ट्वेंटी, माइनस रूट ट्वेंटी सिक्स, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती तो यही प्लस हो जाता है, प्लस पच्चीस प्लस वन यानी कितना हो गया, प्लस रूट ट्वेंटी सिक्स। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 से बनाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हो तो इसका न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टू रूट ए बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है जिसको हम निकाल ही नहीं सकते, न्यूनतम वैल्यू पूछेगा। लो ए टेन स्क्वायर, देखो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा पे है तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में यही करा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, टू अंडर रूट ए बी। ये ए है और ये बी है, यानी कि टू अंडर रूट फोर इंटू ट्वेंटी फाइव, यानी कि टू इंटू अंडर रूट कितना हो गया, हंड्रेड। हंड्रेड का रूट कितना हो जाएगा, टेन, यानी क्या हो जाएगा आंसर, ट्वेंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 फिर वही चीज, क्वेश्चन नंबर 67 को भी मैं आपको चीजें समझा देता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि ए, ठीक है, ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी आ सकता है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका देखो अब इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, क्या होती है आपके पास थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। देखो मैं दोनों केस को लेता हूं, एक बार केस है ए, ठीक है, देखो एक केस क्या होता है कि ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा दिया हो तो हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर फॉर एग्जाम्पल बी बड़ा है ए से तो क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू मिलेगी और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू ए प्लस बी। अगर ए बड़ा है बी से तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, टू रूट ए बी हो जाएगा, ये चीजें याद रखना। जैसे देखो यहां पे तुम थोड़ा सा यहां पे देखो फोर क्वेश्चन नंबर, ठीक है 67, ये चीजें, चलो ये चीजें बाद में आएगी, इसका पहले हम यूज करते हैं। पहले इसको मैं अभी समझा दिया, अदरवाइज इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूज करा दूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस पच्चीस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ फोर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस पच्चीस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ, फोर प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूँ फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो प्लस, अगर मैं थोड़ा सा इसको भी चेंज कर दूं 25, अब एक और देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो फोर प्लस फोर
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो 25 चार कितना हो गया 29 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। मैंने अगेन आपको बता दूं कि ये बताया था कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा है, तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होता है 2√ab। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू 2√ab, तो न्यूनतम वैल्यू 2√ab हो गया। और मैंने आपको ये भी बोला था मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो क्वेश्चन में इनफाइनाइट वाला तो पूछेगा नहीं न्यूनतम वैल्यू। तो देखो ये 29 है, इसका न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा 2√ab, ये देखो 4 × 25, यानी कि क्या हो गया ये 29 तो है ही प्लस 2 × √100। ये 29 को ऐसे ही लिख दो, 29 प्लस 2 × 10, 29 प्लस 20 ये कितना हो गया 49, तो 49 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें समझा दूँ। कभी भी ऐसे रहे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा हो, अगर बी बड़ा हो ये बड़ा हो तो न्यूनतम वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी, यानी कोस स्क्वायर वाला कोसेक स्क्वायर वाला टर्म बड़ा हो तो ए प्लस बी हो जाएगी, अगर ये वाला बड़ा हो साइन स्क्वायर वाला टर्म बड़ा हो तो क्या 2√ab हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा हो, अगर ये सेक स्क्वायर थीटा वाला बड़ा हो तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी, अगर ये वाला कोस स्क्वायर वाला बड़ा हो तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा 2√ab। इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या करें 4 sin² θ प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म बड़ा हो तो न्यूनतम वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है ए प्लस बी। जैसे देखो यहाँ पे देख लो ये वाला बी बड़ा है तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बड़ा है ना कोसेक वाला बड़ा है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या 4 + 25 कितना हो गया 29 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है क्वेश्चन देखो 69 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ये, मैंने अगेन आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर, देखो कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, मैंने बोला था कौन, अगर देखो इसमें कौन सा बड़ा है साइन स्क्वायर वाला बड़ा है ना, देखो अगेन मैं यहाँ पे दिखा दूँ साइन स्क्वायर वाला टर्म बड़ा हो तब न्यूनतम वैल्यू क्या होता है 2√ab। तो लो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला टर्म बड़ा है तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा 2√ab, यानी कि 2 × √ab का मतलब क्या a की वैल्यू कुछ भी ले लो 4 × 25 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2 × √100, 2 × √100 का मतलब क्या 2 × 10, 2 × 10 का मतलब क्या हो गया 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने अगेन बताया था देखो कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर, मैंने अगेन बताया था कौन सा, देखो कौन सा आपके पास बड़ा है। अब देखो अभी तक तो हमने बड़ा और छोटा कर रहे थे कि ए और बी, यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए तो दोनों इक्वल आ गए तो दोनों यूज कर सकते हो, एक तो ए प्लस बी कर लो तो भी क्या हो जाएगा 25 + 25 यानी कितना हो जाएगा 50। अगर तुमको 2√ab करना है तो भी देख लो 2 × √25 × √25 यानी कि तब पर भी तो 2 × इसमें से एक 25 निकल जाएगा यानी क्या 50, यानी अगर दोनों इक्वल आ जाए तो कोई भी लगा लो, ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, यानी a प्लस बी कर लो या 2√ab कर लो सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो, जिसको बोलते हैं क्या न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर नहीं पता है तो फिर से मैं बता देता हूं कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा हो, अगर ये a लेस देन b मतलब b बड़ा हो तो इस केस में न्यूनतम मान आपको होता है a प्लस बी, अगर यही अगर a बड़ा हो जाए, ये वाला बड़ा हो जाए इससे, ये वाला बड़ा हो जाए a ग्रेटर देन b, देन न्यूनतम मान क्या होता है आपको 2√ab होता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये पार्ट 15 है, पार्ट 14 वीडियो पार्ट 11 to 14 देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे मैं करा चुका हूँ। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे देखो a की वैल्यू भी क्या है 1 है और b की भी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है 1 है, यानी a और b इक्वल है, a और b किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ए बी ये a है और ये क्या है b है, अगर इक्वल आ जाए, अब देखो ग्रेटर देन लेस देन तो कोई भी फार्मूला यूज कर लो, ये भी यूज कर लो ये भी यूज कर लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आना है। तो जैसे देखो अगर a प्लस बी करेंगे तो यानी कि 1 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2, अगर मैं दूसरे वाला फार्मूला का यूज करी 2√ab
तो क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट ए बी, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन। इस केस में भी टू इंटू रूट वन, रूट वन की वैल्यू कितनी होती है, टू वन ही हो जाएगी ना ये वाली वैल्यू, तो टू इंटू वन क्या टू। चाहे कोई भी यूज कर लो फार्मूला, दोनों केस में सेम होगा। जब कब होगा, जब ए इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो कोई एक फार्मूला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो या ये, अगर बड़ा छोटा होता है तब कंडीशन दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके भी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर रिजल्ट्स नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से रिजल्ट्स आपको रिपीट करा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने रिजल्ट्स क्या बताया था कि ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा हो, अगर क्वेश्चन कहे कि न्यूनतम मान, न्यूनतम मान निकालना है कब, जब ए लेस देन बी, बी बड़ा हो, यानी कि पहले बी बड़ा हो, तब केस में क्या होता है ए प्लस बी, इस केस में क्या होता है न्यूनतम मान ए प्लस बी। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी हो जाए तब ये इसी का न्यूनतम मान मान होता है टू रूट ए बी। तो देखो यहां क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर लूं, देखो यहां पे कुछ नहीं है तो मतलब इसका मतलब वन है, यहां पे भी कुछ नहीं है तो मतलब वन है, ये ए की वैल्यू है और ये क्या है v की वैल्यू है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना है वन है। अब जब a और b इक्वल आ जाए तो दोनों में से कोई एक ये फार्मूला यूज कर लो या ये फार्मूला यूज कर लो, सेम ही रिजल्ट आना है। a प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या, वन प्लस वन, यानी कि इसका वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा टू, टू इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्वेश्चन नंबर 73 ऑलरेडी मैं फिर अगेन आपको मैं बता दूं, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछ रहा है। अगेन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा हो, तो इसका दो चीज बोला था कि मिनिमम, मिनिमम वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान, न्यूनतम मान मैंने बताया था आपको, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहां पे बोला था कि टू रूट ए बी होता है, और मैक्सिमम यानी कि महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो हमेशा एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो देखो ये एक देखो टेन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो कि आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी क्या है वन है, ये ए की वैल्यू है, ये क्या है तुम्हारी बी की वैल्यू है। फार्मूला न्यूनतम मान के लिए क्या है टू रूट ए बी, लो टू रूट ए बी, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू भी वन, यानी क्या टू इंटू रूट वन, यानी कि टू इंटू वन, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका टू, और टू क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का क्या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला चीज देख लो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, अगेन आपको रिजल्ट्स बता देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन। तो इन दोनों की वैल्यू मैं कलर चेंज करके आपको समझा दूं कि इन दोनों की वैल्यू इसकी और इसकी क्या हो गई वन, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको एक रिजल्ट पता हो तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा आपको क्या होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो वन प्लस इसकी वैल्यू क्या लिख दिया वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने इसकी वैल्यू लिख दिया और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको रहने देता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो वन वन दो और एक इधर तीन, तीन बार आ गया वन, एक एक दो और एक तीन, वन प्लस वन थ्री टाइम्स आया थ्री। अब थोड़ा सा आपको क्या सोचना है, देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको बताऊं, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया टू टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया दो बार आया, तो दो कोट स्क्वायर थीटा। अगेन आपको मैंने एक चीज बताया था, अगर आप फिर से अगेन ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा हो तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान अगर आपको पता है तो टू रूट ए बी होता है। तो देखो यहाँ इस ये तो तुम्हारा इधर देखो तीन है प्लस इसमें लगा दूं ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, तो टू रूट देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से क्या हो जाएगा टू रूट ए बी, ए की वैल्यू कितनी है टू, ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू, बी की वैल्यू भी टू है, तो कितना हो गया थ्री प्लस टू इंटू कितना रूट फोर, ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू इंटू रूट फोर की वैल्यू कितनी हो गई टू, यानी कि थ्री प्लस फोर यानी कि
सेवन, सेवन इसका क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन, आपको थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ। जैसे देखो एक चीज याद रख लेना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है आपको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन क्वेश्चन समटाइम्स ये भी कहता है कि कॉस टू थीटा, ऑलरेडी मैं बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। थर्ड क्या हो सकता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ क्या हो सकता है, अगर टेन के फॉर्म में लिखना है तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे कॉस टू थीटा के फार्मूला होते हैं जो आपको याद होने चाहिए जुबान पे, ताकि आप क्वेश्चन को बना सको। जैसे देखो ये कॉस टू थीटा की सारी ही फार्मूले हैं कॉस टू थीटा के। तो देखो अगर 1 बाई कॉस टू थीटा आ जाए, देखो तो 1 बाई कॉस टू थीटा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और फार्मूला आपको बहुत ही काम आने वाला है, इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये अलजेब्रा का फार्मूला है बट ये हर जगह काम आता है। जैसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं भी दिया रहे तो इसका मतलब क्या होता है, फार्मूला होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी कैंसिल हो जाता है और दो दो ए स्क्वायर दो बार आता है, बी स्क्वायर दो बार आता है, तो इसीलिए दो हम कॉमन कर लिए। अगर यही चीज आ जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, फोर ए बी। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मैं करूंगा माइनस तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर इसको मैं करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस यहाँ लगा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू ए बी और माइनस माइनस क्या, इधर भी प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कितना हो जाता है, फोर ए बी। तो ये डायरेक्ट अब याद रख लेना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे देखो उस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू पुटिंग मेथड कब हम ट्रिगो में यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। तो देखो जहाँ कहीं भी आपको साइन कॉस की फॉर्म दिखे, साइन कॉस की, तो आपको माइंड में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है क्या कि जीरो और 90 बेटर होता है पुट करना। ऐसा कोई 100% कॉन्सेप्चुअल नहीं है बट हमें इस तरह से हम ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से बना सकें। अगर साइन कॉस टेन के फॉर्मेट में हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन के फॉर्मेट में जब भी आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं। लेकिन एक चीज कंडीशन ये रखते समय एक चीज याद रखना है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हम रेगुलेशन को हम चेंज नहीं करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को हम चेंज नहीं करेंगे जिसके चलते हमारा आंसर गड़बड़ा जाए। जैसे देखो कभी भी 1/0 नहीं हो सकता क्योंकि अनडिफाइंड केस हो जाता है, जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो ये चीज़ें कि हमें कोई भी वैल्यू पुटिंग मेथड रखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो आ गया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1/0 फॉर्म क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होता है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, देखो 75 अभी मैंने, अगर आपको पता होगा तो देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया कि कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है तुम्हारा, कॉस टू थीटा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा, क्योंकि मैं अगेन आपको समझा दूँ कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दूसरा क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा लिख दिया। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा चीज ये मैं बता रहा हूँ इसको लिए लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम एग्जाम में हम इसका यूज नहीं करेंगे बट कॉन्सेप्ट सीखते समय आपको याद थोड़ा सा ये करना पड़ता है। दूसरी चीज देखो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे इनका, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू क्या हो गया 1 प्लस टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि आप एलसीएम लेके कर लो, और इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अगेन आपको एक फार्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ये क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कॉस टू थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस टू थीटा। अब अपने से सोचो, देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखो ये a है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी ये वाला और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस टू थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब देखो अगेन आपको कॉस टू थीटा का मैंने फार्मूला बताया था, कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, वन बाई कॉस टू थीटा लिखूंगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये वही चीज है, इसको मैं इतना लिख सकता हूं, तो देखो कॉस टू थीटा इंटू टू इंटू वन बाई कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा से टू थीटा कैंसिल, यानी कि टू टू क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बट अगेन मैं बता दूं कि ये लॉन्ग मेथड है, हम एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में करेंगे तो उसके लिए हम शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या है वो भी चीज आपको बताता हूं। देखो हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड करने के लिए इस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, वैल्यू क्या करना डाल देंगे, देखो पुट थीटा इज इक्वल टू क्या, जीरो डिग्री, क्यों, क्योंकि आसानी से, और देखो कभी भी जीरो डिग्री डालो या 90 डिग्री डालो या कोई भी वैल्यू डालो थीटा की, तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि कोई भी चीज हमारा टर्म्स एंड कंडीशन खराब नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो इसमें रखो, ये देखो वन माइनस साइन थीट, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो साइन जीरो का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वन माइनस टू इंटू जीरो, कोई दिक्कत है, यानी कि यहां से क्या सिर्फ ये वाला जीरो पोर्शन हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन का क्या आ गया, सिर्फ वन, वन इंटू, इधर देखो वन प्लस टेन जीरो क्या होता है, जीरो, यानी कि वन डिवाइडेड बाई वन, वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस इधर वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि टेन जीरो डिग्री भी क्या होता है, जीरो, साइन जीरो डिग्री भी क्या होता है, जीरो, बस वैल्यू हमने रख लिया। तो देखो वन इंटू ये क्या रह गया, ऊपर वन बाई वन प्लस वन बाई वन, यानी क्या बचा, वन बाई वन यानी कि क्या, टू, क्यों, क्योंकि देखो वन इंटू है, वन ये हो गया और ये वन हो गया, यानी कि वन प्लस वन कितना हो गया, टू, टू इंटू वन कितना हो गया, टू, यानी कि आंसर इसका क्या आ गया, डायरेक्ट टू आ गया। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करके आसानी से क्वेश्चन को बना लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रूट टू प्लस टू कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऑप्शन ये दिए हुए हैं, टू टेन थीटा, टू साइन थीटा, टू कॉस थीटा और कॉस थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, एक हमारा कहलाएगा शॉर्ट अप्रोच और दूसरा हमारा कहलाएगा क्या, कॉन्सेप्ट अप्रोच। तो पहले हम शॉर्ट अप्रोच करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शॉर्ट अप्रोच, मैंने अगेन आपको बोला था कि साइन कॉस जहां भी टर्म्स ऐसे आ जाए और ऑप्शन भी साइन कॉस टेन फॉर्मेट में रहे, जैसे इस फॉर्मेट में रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, जीरो या 90 डिग्री। लेकिन हमें जीरो डिग्री इसलिए आसान लगता है क्योंकि कॉस जीरो वन हो जाता है और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो आप थीटा की वैल्यू दोनों में से कोई रख सकते हो, ये डजंट मैटर है, ठीक है। तो देखो आप थीटा की वैल्यू जीरो में रख देता हूं, तो देखो अंदर रूट टू प्लस टू, अंदर रूट टू प्लस टू इंटू, देखो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो डिग्री होता है वन, तो यानी कि टू इंटू क्या हो जाएगा, वन। अब देखो फिर से अंदर रूट टू प्लस, ये देखो टू प्लस टू ये कितना हो जाएगा, फोर, फोर का रूट कितना हो जाएगा, टू, यानी कि अंदर रूट टू प्लस टू, टू प्लस टू की वैल्यू कितनी होगी, फोर, फोर की वैल्यू क्या हो गई, टू, यानी कि फाइनली क्या आ गया हमारा, टू। अब ऑप्शन से चेक कर लें किस में टू आता है, तो टेन जीरो, देखो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये नहीं हो सकता। साइन जीरो भी जीरो होता है, तो जीरो तो आंसर होगा नहीं, टू इंटू कॉस जीरो वन, यानी कि आंसर क्या आ गया, टू, क्या मैच कर रहा है, एस, तो टू क्या हो जाएगा, ये कॉस जीरो वन होता है सिर्फ इसका वन, इसीलिए नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आपको मैं कॉन्सेप्ट मेथड भी बता देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट मेथड क्या कहता है, कॉन्सेप्ट मेथड ये कहता है आपको, देखो कॉन्सेप्ट मेथड बताने के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। देखो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, अंदर रूट टू प्लस अंदर रूट टू मैं कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस फोर थीटा। अगेन थोड़ी सी आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आपको याद क्या रखना पड़ता है कि अगर ये इधर टू थीटा है तो इधर क्या हो जाता है, थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वन प्लस कॉस फोर थीटा होता तो टू कॉस स्क्वायर थीटा टू थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हाफ हो जाता है, अगर टू थीटा का हाफ करेंगे तो क्या होता है, थीटा, फोर थीटा का हाफ करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, टू थीटा। तो देखो यहां पे मैं लिख लूं, मैं कलर चेंज कर दूं, देखो टू प्लस अंदर रूट टू इंटू ये वाला फार्मूला मैं लिख दूं, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब यहां तक तो आ गया, अब आपको क्या करना है, देखो यहां के बाद देखो क्या करना है, अब थोड़ी सी देखो ये क्या हो गया, टू प्लस अंदर टू टू कितना हो गया, फोर इंटू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो मैं अगर इसको रूट से बाहर निकालूं तो टू प्लस इधर कितना हो जाएगा, फोर का कितना होगा, रूट टू, और इसका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस टू थीटा, इतना हो गया।
अब देखो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको इसमें से टू कॉमन कर लेना है। टू कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा। और वन प्लस कॉस टू थीटा की फार्मूला ये देखो पता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो मैं इसको लिख दूं, टू इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू टू कितना हो गया, फोर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको निकालूं तो टू कॉस थीटा, और टू कॉस थीटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो y की वैल्यू ज्ञात करो, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको दो चीजें दो तरह से बना सकते हो, एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखो साइन कोस सेक इस तरह से है, तो इस तरह से थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख लेते हैं, 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप 30 भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा कोई भी वैल्यू पुट करने समय ये ध्यान रखना कैलकुलेशन कम से कम हो। तो हमें पता है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ कि साइन 45 और कॉस 45, देखो साइन 45 और कॉस 45 क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। उसी तरह सेक 45 और कॉसेक 45, कॉसेक 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, रूट टू होती है। इसीलिए मैंने ये चीजें आपको कहा कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लो, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू देखो अगर साइन 45 करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो x क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो x साइन 45 डिग्री रखता हूं तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 दो बार आ गया तो 2/√2, और 2/√2 को मैं लिख सकता हूं क्या, रूट टू। क्यों, क्योंकि इस टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू, एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल कर देते तो क्या बन जाता, रूट टू आ जाता। तो इस तरह से 2/√2 की वैल्यू क्या हो गई, रूट टू। और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस कोसेक 45, कोसेक थीटा। फिर y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट टू, यानी कि 2√2। देखो ये चीज आ गया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है y की वैल्यू, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है ना, किस चेक कर लें अगर y की वैल्यू 2√2 किस में आती है, इसमें पहला ऑप्शन में चेक कर लें तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट टू, 2√2 डिवाइडेड बाई रूट टू का होल स्क्वायर 2 - 1, यानी कि 2√2 एस ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है। बी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सारे आप चेक कर लेना आपको, क्योंकि हमें पहले ही आंसर मिल गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो रहा आपको शॉर्ट अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच भी बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। देखो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो इसमें रियल में अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे देखो हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो पहले हम y को क्या लिख सकते हैं, देखो y क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यह किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का, और कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो 1/sin थीटा y इक्वल टू, इन दोनों को एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो वाई इज इक्वल टू, थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये देखो एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब तुम सोचो कि हर ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, साइन, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें हम, तो x, क्योंकि क्वेश्चन x की वैल्यू ये थी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 sin थीटा, ये वाला लिख देता हूँ, इंटू कॉस थीटा। तो अब इसको मैं लिख इधर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमने निकाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसकी है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं 2 अपने से मल्टीप्लाई, 2 अपने से डिवाइड कर लिया। लो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 2 × sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी, x, 2x हो गया। और देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आंसर क्या हो गया, 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर, इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान काम होता है, टैन कॉट आ गया ना, तो थीटा की वैल्यू मैंने बताया था कि 45 डिग्री पुट आउट कर लो और आसानी से क्वेश्चन निकाल लोगे। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट करेंगे तो देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन। देखो 1 प्लस, अब आपको बता दूं कि कॉट 45
और 1045 कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करूं sec 45 और cosec 45 तो आपको होता है रूट टू, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी रूट टू, और cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो गया। इधर मैं करूं तो 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट टू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 1, क्योंकि 45 मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया। अब देखो, अब इसका 2 प्लस रूट टू, और इधर क्या हो गया, अगर मैं इधर करूँ 1 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस रूट टू, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। 2 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसी ऑप्शन में आपको ऑप्शन हो ऐसे हो सकता है 1 2 3 एंड 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर इसको ट्रेडिशनल वे से थ्योरेटिकल वे से बनाना है तो देखो थ्योरेटिकल वे से कैसे हम बनाएंगे, थ्योरेटिकल वे से कैसे बनाएंगे, आपको थ्योरेटिकल वे जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोसेक थीटा कितना होता है 1 बाई साइन थीटा होता है, कोट थीटा आपको पता ही है क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। इसको ब्रेक करना है तो 1 को वैसे ही लाने दो, सेक थीटा कितना होता है 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बस अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, सिंपल सा चीज़। अब देखो सिंपल क्या करना है, पहले मैं इधर क्या करूँ एलसीएम ले लूँ इसका, साइन थीटा ये क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया। अगर मैं इधर एलसीएम ले लूँ तो इधर क्या होगा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अब थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे देखो एक लाइन, देखो मैं एक लाइन करता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ साइन थीटा, इन दोनों को एक साथ लेता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया साइन थीटा इंटू, देखो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब थोड़ा सा आप अपने माइंड को ये सोचो, देखो इधर देखो नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे अगर मैं बोलूँ तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लो लिख लिया। ऊपर देखो, ऊपर मैं अगेन यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ए की वैल्यू अगर मानूँ ए प्लस बी, ये देखो बी हो गई तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ब्रेक करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू क्या हो गया कोस थीटा। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, जैसे देखो अब क्या होगा क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने लिख लिया कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया और 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, देखो क्वेश्चन नंबर 79 भी क्वेश्चन कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन को रहा है साइन, देखो साइन एन थीटा प्लस साइन एन थीटा इज इक्वल टू यू एन दिया हुआ है, तो 2u6 प्लस 3u4, 3u4 प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो u6 n के जगह पे 6 रखेंगे तो cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि u3 लिखना है, देखो u4 है ना यहां पे u4 है, तो u4 लिखना है, u4 लिखूंगा तो cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी आपको मैंने, एक तो दो वे हैं इसको बनाने के लिए, एक तो यहाँ पे रख लो इसकी वैल्यू रख लो और क्वेश्चन को बना लो, दूसरा वे मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने बोला था साइन कॉस जहाँ भी आए तो थीटा की वैल्यू कोशिश करो 0 या 90 ही रखने की, तो हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखो अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो आप थोड़ा सा सोचो देखो क्या बन जाएगा तुमको, चलो क्वेश्चन हमारे पास निकालना क्या वो चीज़ देखते हैं, 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू u6 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा, और माइनस 3 है यहाँ पे तो 3u4 की वैल्यू ये है इक्वेशन सेकेंड से cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा और प्लस 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है,
थीटा की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस जीरो। देखो कॉस जीरो होता है वन, और कॉस साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो डिग्री जीरो होता है। तो टू इंटू कॉस जीरो वन प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, माइनस थ्री इंटू कॉस जीरो वन, वन पे पावर कितना होगा फोर भी करोगे तो वन ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन, यानी आंसर क्या आ जाएगा टू माइनस थ्री प्लस वन, यानी कि थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा जीरो। तो एक तो ये आपको हो गया कि शॉर्ट अप्रोच आंसर आ गया जीरो। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड यहाँ पे वैल्यू पुट करके ना करके आप यहाँ के बाद आप क्वेश्चन को निकाल सकते थे। आप कैसे, अगेन मैं आपको थोड़ा सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो फार्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है कॉस सिक्स थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा, फार्मूला मैंने बताया था कि वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह कॉस फोर थीटा प्लस साइन फोर थीटा क्या होता है, मैंने बताया था कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जो लोगों को नहीं पता है तो ये भी चीज़ें याद रख लें ताकि उनको बहुत ही काम आएगा। देखो टू इंटू फार्मूला रख लूँ, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, इसकी वैल्यू मैंने इस फार्मूले में रख दूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ट्रेडिशनल वे, मैं आपको थ्योरेटिकल वे समझा रहा हूँ। तो देखो अब आप थोड़ा सा सोचो क्या करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस थ्री, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और प्लस वन का प्लस वन ऐसे ही, देखो देखो सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इधर बचा टू और इधर की चला बचा माइनस थ्री, और इधर क्या बचा प्लस वन, यानी क्या हो गया थ्री माइनस थ्री, आंसर क्या हो गया आपको जीरो। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जीरो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को हम दो मेथड से बताएंगे, मेथड वन और मेथड टू। तो पहले मेथड वन की बात करते हैं। मेथड वन में क्या करा कि टेन स्क्वायर थीटा क्या है वन माइनस ई स्क्वायर, तो क्वेश्चन करा कि सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो सेक थीटा क्या होता है वन बाई कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन क्यू थीटा है तो साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा इंटू क्या है कोसेक थीटा जो दिया हुआ है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो बात क्या आती है, अब थोड़ी सी आप अपने से सोच लो। चलो इसको भी मैं साइन कॉस में चेंज कर दूं, इरेज कर लेता हूं। देखो इसको भी जब सारे को हमने चेंज कर रहे हैं साइन कॉस में, तो इसको भी हम चेंज कर लें। तो कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या होता है वन बाई साइन थीटा हमने लिख लिया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। लो तो मैं क्या कर लिया, देखो बच क्या गया वन बाई कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यू थीटा। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो गया। तो ये क्या बच गया इधर एक कॉस से एक कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो गया प्लस इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन, वन डिवाइडेड बाई कॉस क्यू थीटा, और वन बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक क्यू थीटा, यानी हमें वैल्यू निकालनी किसकी है सेक क्यू थीटा की। अब देखो थोड़ा सा आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। देखो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है वन माइनस ई स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर, यानी हो क्या गया टू माइनस ई स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा की। तो अगर सेक थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा टू माइनस ई स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, या इसी को बोल सकते हैं टू माइनस ई स्क्वायर पे पावर क्या होता है वन बाई टू सेक थीटा की वैल्यू। ये हमें क्वेश्चन चाहिए किसका सेक क्यू थीटा की, अगर मैं बोथ साइड क्यू करूँ तो सेक क्यू थीटा हो जाएगा, और इधर क्या करूँगा टू माइनस ई स्क्वायर, तो क्यू करूँगा तो बोथ साइड तो थ्री बाई टू, क्योंकि क्यू हो जाएगा थ्री बाई और टू नीचे डिवाइड तो थ्री बाई टू सेक क्यू थीटा की वैल्यू। और ये कौन से ऑप्शन में है देख लो टू माइनस ई स्क्वायर बाई थ्री बाई टू ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मेथड टू वैल्यू पुटिंग मेथड भी आपको समझाता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है वो भी चीज आपको बताता हूँ। जैसे देखो मैंने बोला था कि टैन फॉर्मेट चाहे सेक फॉर्मेट आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आप रख लो। 45 डिग्री रखने से क्या होता है आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। टैन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन, सेक 45 या कोसेक 45, कोसेक 45 कोसेक थीटा यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट टू। तो डायरेक्ट हम रखते हैं क्वेश्चन में, जैसे देखो क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रखते हैं सेक 45 रूट टू, टैन 45 वन
इंटू सेक 45 रूट टू, यानी क्या हो गया, हो गया रूट टू प्लस रूट टू, यानी क्या हो गया टू रूट टू। अगेन आपको बता दूं, टू टू पे पावर क्या है, वन है, और टू पे पावर कहीं भी रूट टू का मतलब क्या है, टू पे पावर वन बाई टू है, वन बाई टू। और अगेन अगर बेस दोनों सेम है, टू टू है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू, यानी कि टू पे पावर क्या हो गया, थ्री बाई टू। अब आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा था कि किस पे पावर थ्री बाई टू है, ऑप्शन नंबर वन मार सकते थे राइट आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा टू पे पावर थ्री बाई टू, इसकी हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, पावर थ्री बाई टू ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था टेन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे देखो वन माइनस ई स्क्वायर, तो देखो टेन 45 कितना होता है वन, वन माइनस ई स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको करता हूँ ई स्क्वायर को इधर ले देता हूँ, ई स्क्वायर वन माइनस, इधर माइनस वन वन जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ई स्क्वायर की वैल्यू जीरो पुट कर लो किसी में भी ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है देखो टू माइनस जीरो पे पावर थ्री बाई टू, टू पे पावर थ्री बाई टू, टू पे पावर थ्री बाई टू किसका मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बाकी किसी में मैच नहीं करेगा आप चेक कर लेना, अदरवाइज इस तरह से हम क्वेश्चन को एग्जाम में डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या करेगी, एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है कि फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, और कॉस थीटा और साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को पहले मैं शॉर्ट अप्रोच से समझा देता हूँ ताकि आप लॉन्ग अप्रोच भी अपनाओ, दोनों मेथड वन और मेथड टू से आपको समझाता हूँ। देखो मेथड वन, पहले मेथड वन हम वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अब थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू 30 भी ले सकते हो, 45 लेने से क्या होगा कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल हो जाते हैं, साइन 45 या कॉस 45 कितना होता है वन होता है, तो इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाना। जैसे देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45, तो देखो इसमें मैं पुट करूँ तो देखो एक्स इंटू 40 साइन 45, अरे सॉरी ये 45 कितना होता है रूट बाई वन बाई रूट टू होता है, तो एक्स इंटू वन बाई रूट टू माइनस वाई इंटू वन बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बाई रूट टू इज इक्वल टू वाई बाई रूट टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई, एक तो ये कंडीशन आ गया कि एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इसमें रखता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45, तो देखो एक्स इंटू साइन 45 कितना होता है वन बाई रूट टू, यानी कि वन बाई रूट टू का क्या हो गया होल क्यू, प्लस वाई इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई रूट टू का होल क्यू इक्वल टू 4 इंटू वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू। थोड़ा सा अगेन आपको बता दूं, रूट टू का क्यूब करना है तो देखो वन बाई तीन बार करना है, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, कोई दिक्कत है, रूट टू कितना हो जाएगा टू, यानी वन बाई टू रूट टू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं तो देखो एक्स बाई क्या हो जाएगा टू रूट टू, प्लस उसी तरह वाई बाई टू रूट टू इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा आपका फोर, और रूट टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा बाई टू, यानी कि आंसर इधर क्या हो जाएगा टू। अब मैं एलसीएम भी ले लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, देखो एलसीएम ले लेता हूँ इधर की बात, मैं एलसीएम ले लूँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा टू रूट टू, और इधर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू हो गया, तो इधर से क्या निकल जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा फोर रूट टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर रूट टू आ गया। देखो अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे देखो मैं यहां से शिफ्ट करता हूं यहां पे एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया फोर रूट टू। अब देखो थोड़ा सा अपने से सोचो, यहां पे एक्स इज इक्वल टू वाई आया है ना, तो वाई को एक्स को के जगह पे क्या रख सकता हूं, वाई रख सकता हूं, क्योंकि यहां से देखो तो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू फोर रूट टू, टू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया फोर रूट टू, यानी वाई की वैल्यू क्या हो गई टू रूट टू। अगर वाई टू रूट टू हो तो एक्स भी क्या हो जाएगा टू रूट टू, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई क्या है इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि टू रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू रूट टू का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा फोर, देखो ये कितना हो जाएगा दो दुनी चार, देखो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ प्लस आठ कितना हो जाएगा सोलह, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका ट्रिक्स क्या है मेथड टू, देखो मेथड टू मैं आपको समझाता हूँ, देखो मेथड टू ये जो चार है ना
ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि x साइन क्यू प्लस वाई साइन क्यू इक्वल टू 4 साइन क्यू थीटा, तो ये चार होता है ना, इसी का स्क्वायर, चार का स्क्वायर जो होगा उसका आंसर हो जाएगा 16। यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या, एक तो राइट आंसर इस तरह से भी कर सकते थे कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वे आपको समझा रहा हूँ, थर्ड वे आपको, थर्ड मेथड आप कैसे करोगे, देखो थर्ड मेथड सिंपल मेथड आप कैसे करोगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, x sin theta is equal to y cos theta, हम इसका यूज करेंगे आगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इसको मैं sin q theta है ना, तो एक बार sin theta लिख देता हूँ और क्या sin square theta। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें हेल्प मिलने वाला है, क्यों वो मैं बताऊंगा। sin theta और sin square theta करूँगा तो sin q theta हो जाएगा, प्लस y cos q theta को ऐसे ही रहने देता हूँ, cos q theta, बाकी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 sin theta into क्या cos theta। अब थोड़ा सा देखो, x sin theta इक्वल टू y cos theta, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y cos theta into sin square theta plus y cos q theta इक्वल टू, इधर क्या रहने दो ऐसे ही, 4 sin theta into क्या cos theta। अब देखो थोड़ा सा माइंड पे अपने जोर दो ताकि आप समझ पाओ, y cos theta कॉमन कर लेते हैं, दोनों में है तो y cos theta कॉमन कर लिए तो ये क्या बन जाएगा, sin square theta, और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया मैंने क्यों इसको ब्रेक किया था, क्योंकि ये चीजें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने के लिए, तो इधर क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इधर क्या हो गया, वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा देखो, कॉस थीटा कैंसिल, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। अगर y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इसमें रख दूं, x साइन थीटा इज इक्वल टू y का मतलब क्या, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, यानी x क्या मिल गया, 4 कॉस थीटा, दोनों मिल गया, x भी मिल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x भी हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लो मैंने लिख लिया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 मैंने कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 82 क्या कर रहा है, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, कोई त्रिभुज है मान लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज के कोण हैं ए बी और सी, क्वेश्चन कर रहा है जो समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं एपी दिया हुआ, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जैसे देखो 3, 5, 7 कोई नंबर है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप 2, यानी हर केस में गैप क्या होना चाहिए सेम। अगर मैं तीन नंबर अर्थमेट एपी में कोण का नंबर लिखना है तो कोण क्या 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मैं ले लूं तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 30, इसके बीच का भी गैप क्या हो गया 30, यानी कि ये तीन ए बी सी अगर मैं लेता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों क्या होंगे एपी में हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं, अगर आप नंबर सिस्टम और अलजेब्रा की मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको वहां से एपी का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो मैं इरेज करता हूं, तो देखो मैंने तीन नंबर ऑलरेडी ले लिया, कोण देखो ए कोण है, बी है और ये सी है, ए बी सी मैंने क्या नंबर ले लिया 30, 60 और 90, मैंने क्यों ऐसा माना आपको मैंने बता चुका। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, माइनस साइन सी, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, डिवाइडेड बाई कॉस सी, देखो कॉस सी है, कॉस सी, सी कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस ए, कॉस ए, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो इस तरह से अगर मैं सोल्व करूंगा तो 2 एलसीएम हो गया 1-2 डिवाइडेड बाई, इधर मैं करूंगा 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0-√3, यानी 2 से 2 कैंसिल, इधर कितना होगा -1, इधर कितना होगा -√3, यानी कितना आंसर आ गया 1/√3। ऑप्शन में चेक करो, साइन बी, बी कितना है 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है 1/sin 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है 1√3/2, तो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। टेन बी, टेन सिक्सटी कितना होता है √3 होता है, ये भी मैच नहीं कर रहा। कॉट सिक्सटी कितना होता है 1/√3, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको सी, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गया तो। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को डील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि
ए इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, बी इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने अगेन आपको बताया हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख लो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखोगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखो, तो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन में रखता हूँ तो ए इज इक्वल टू कोस 45, कोस 45 की देखो मैं सारे की वैल्यू लिख देता हूँ, कोसेक 45 और सेक 45, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है रूट टू, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। मैं रख लूँ तो क्या हो जाएगा रूट टू माइनस 1/√2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू रूट टू माइनस 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ऐसे करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2-1 यानी कि 1/√2, अगर इधर भी एलसीएम लेके कर लूँ तो 2-1 यानी कि 1/√2। अब मैं यहाँ पे रख लूँ वैल्यू डायरेक्ट, ए स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, फिर उसी तरह ए स्क्वायर 1/2 प्लस बी स्क्वायर 1/2 प्लस 3, बस रख लिया यानी कि 1/4। अगर मैं इधर करूँ एलसीएम तो कितना हो जाएगा 4 1 + 1 + 4 = 12, यानी कि 1/4 × 12 13 × 14 / 4, यानी कि 2 × 2 = 14, यानी कि 7/, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लेते हैं 1/4 × 12 × 13 × 14। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 = 2 हो जाएगा, तो 14/2 2। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड मैं कैलकुलेशन फिर से कर देता हूँ, देखो मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, देखो सिंपल ये तो ह्यूमन एरर है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट आंसर भी बोल सकता था कि आपको ये चीज़ इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। अब इधर देखो 2 LCM हो गया तो 1 + 1 + 6 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 × 6 = 8 यानी कि 4 से ये 4 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा दिख जाए तो आप 0° और 90° पुट कर ले सकते हो, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं? देखो 0 पुट करोगे तो पहला चीज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो 0 पुट करोगे तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे, इसीलिए हम ये ना पुट करके, अगर 0 भी पुट करता हूं, अगर 0 देखो 0° में पुट करता हूं तो यहां अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, क्यों कि साइन 0 और कॉस 0 1, नीचे क्या हो जाएगा 0 1/0, कभी भी कोई भी नंबर पे पावर नीचे डिनोमिनेटर हर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, और 90 पुट करूंगा तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में क्या थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 45° रख लेंगे, ताकि आसानी से बन जाए क्वेश्चन। तो साइन 45 भी होता है आपको 1/√2 और कॉस 45 भी क्या होता है आपको 1/√2। तो देखो डायरेक्ट मैं रखता हूँ इस क्वेश्चन में साइन 45/1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2/√2 माइनस 1 1/, ये अगर 2/√2 ऐसे कहीं भी देखे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक रूट टू और एक रूट टू मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट टू, यानी कि रूट टू माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आएगी, देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो 90° रखने पे भी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा आपको यहां से प्रॉब्लम आएगी। अब देखो हमने ये तो रख लिया थीटा इज इक्वल टू 45°, क्या ये ऑप्शन से, तो देखो सी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होगा, लेकिन चेक कर लेना आपको सी और डी, ए और बी में अगर रखोगे तो दोनों आंसर क्या ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा, तो यानी कि अब ऑप्शन दो तो हो नहीं सकते, यानी थीटा इज इक्वल टू 45° भी नहीं ले सकते। तो हम लेंगे क्या इस क्वेश्चन के लिए, हम लेंगे परफेक्ट क्या थीटा इज इक्वल टू 30° यूज करेंगे। ऐसे ही थिंकिंग बढ़ाई जाती है, 0 भी ले सकते थे, 90 भी ले सकते थे, 45 भी ले सकते थे, लेकिन क्या लेने से, ये दोनों लेने से क्या अनडिफाइंड बन जा रहा है, ये वाला हर क्या है अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए नहीं ले सकते। 45 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या हो जाता 45, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों 45° होते हैं, इसलिए कंट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब बात आती है किस पे हमें रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा 30° पे, तो 30° पे वैल्यू रख लो, देखो साइन 30 कितनी होती है 1/2, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है 1/2 और कोस 30 कितना होता है √3/2 और ये क्या माइनस 1, यानी अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो देखो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है ऊपर 2 हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 - √3 + 2, नीचे अगर मैं करूं
नीचे अगर मैं एलसीएम 2 ले लेता हूं तो 1 प्लस रूट 3 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा 3 माइनस रूट 3, नीचे क्या बन जाएगा आपको माइनस, देखो नीचे क्या बन गया रूट 3, रूट 3 माइनस 1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 कॉमन कर लेता हूँ उसमें, इसमें रूट 3 कॉमन कर लेता हूँ ऊपर वाले में, तो क्या बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट 3। ऑप्शन में रख के देख लूँ, ऑप्शन में रख के चेक कर लो किसकी वैल्यू रूट 3। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, 1 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 रूट 3 बाई 2। एलसीएम लूंगा तो देखो एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बाई रूट 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में रख ले, बी में रख लेना आंसर नहीं आएगा, सी में भी रख लेना नहीं आएगा, डी में भी नहीं रख ले, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बी में रख के दिखाता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 30 रूट 3 बाई 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 1/2, यानी कि 1 प्लस रूट 3, आंसर नहीं मैच कर रहा क्योंकि हमें रूट 3 चाहिए था। तो इस तरह से ये निगलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा, बी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू याद करो। देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर बीटा है ना, साइन स्क्वायर बीटा, और हर देखो हर ऑप्शन में ए स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम ए स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बीटा। उसी तरह बी स्क्वायर भी कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ से मैं लिखा लेता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा करूँगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अगर यहाँ से मैं निकालूँ साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा निकालूँगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर लूँगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इधर साइड और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, इधर अगर मैं जोड़ूँ तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें चाहिए क्या साइन स्क्वायर बीटा, तो इस कॉस स्क्वायर बीटा को भी मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। लो फिर मैं वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं इसको मैं कर लेता हूँ, देखो वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉमन कर लूँ, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं कर लूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा वन, इसको मैं इधर ले जाता हूँ वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया और ए प्लस बी, मैं माइनस कॉमन कर लूँ ऊपर, ऊपर माइनस कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, नीचे माइनस कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल करूंगा माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है तो बी क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियन का कॉन्सेप्ट, रेडियन होता क्या है, रेडियन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो कुछ चीजें आपको जरूरी है जानना, ठीक है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो वन डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, इस तरह से एक डैश हो तो 60 मिनट, वन मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, सेकेंड का मतलब कि ये डबल डैश हो गया तो सेकेंड होता है, तो इस तरह से ये दो फार्मूले आपको काम यूज में आएंगे। दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं क्या होता है पाई रेडियन, रेडियन को हम हिंदी इस तरह से सी लिखा हो तो इसका मतलब होता है रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अगर कोई एक बार एग्जाम में आपको एसएससी में पूछा हुआ है कि वन रेडियन इज इक्वल टू क्या हुआ था 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, अब 180 की तो ये तो पता है कि 180, ठीक है, लेकिन आपको पाई की वैल्यू अगेन पता है क्या होता है 22/7, तो 22/7 अब ऊपर चला जाएगा 180 × 7/22, यानी कि 11 से कटा तो 11 और ये कितना हो गया 90, यानी कि हो क्या गया हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 9 × 7 = 63, 630/11 डिग्री। अब सबसे पहले हमें क्या ये इसको कैसे हम मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं वो भी चीज़ बताता हूँ। जैसे देखो पहले सबसे पहले हम 11 का भाग 630 में देंगे तो कितना होगा 11 × 5 = 55, लो हमने लिख लिया, ये कितना हो जाएगा अगर मैं बोलूँ 8 × 5 = 13 = 80, तो 11 × 7 = 77, ये कितना हो गया
थ्री हो गया ना, लो थ्री, थ्री तो 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, लो यानी कि 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गया और ये 3 डिग्री रह गया। ये 3 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, देखो मैंने बताया था 60 मिनट, तो 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180 मिनट हो गया। ये 180 मिनट हो गया, तो 180 मिनट को फिर क्या करूँगा, ये 11 नीचे दिया हुआ भाग दे दूँ, 11 से मैंने क्या कर दिया भाग दे दिया, 11 से भाग दिया तो 11 ये कितना हो गया 70, 11 6 66 यानी कि 4 मिनट ये बच गया, यानी 57 डिग्री और ये कितना हो गया 16 मिनट, 16 मिनट हमने इस तरह से लिया। अब ये 4 मिनट है, देखो 4 मिनट आ गया ना, 4 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड हो तो 60 यानी कि 240 सेकंड हो गया, 240, ये डबल डैश का मतलब क्या सेकंड। फिर उसको मैं 11 से, क्योंकि डिवाइड किससे करना है 11 से, 11 से 240 को डिवाइड करूँ, 11 2 22 कैंसिल, 2 0 11 कहीं 11 यानी 11 यानी कि ये जो फिर आ गया ये 11 सेकंड, सॉरी 11 2 22 होगा ना, 11 1 11 तो ये तुम्हारा 21 सेकेंड हो गया। यानी कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड, तो आपको याद होना चाहिए 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नहीं एक रिजल्ट भी था। अब देखो कहीं भी एक ही हमें रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें याद रखोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कहीं भी आता है तो क्वेश्चन कर रहा है इतना रेडियन को डिग्री में बदलें, तो इतना 5/3 पाई रेडियन को डिग्री में, डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितना हो गया 60, यानी कि 60 × 5 कितना हो गया 300 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किस में, इसमें कितना मल्टीप्लाई किया जाता है 180 बाई पाई से, ये चीज़ें याद रखना। अगर डिग्री को रेडियन में करना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में कितना का मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 की, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें याद रख लेना बस। जैसे देखो ये डिग्री रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना था, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो रेडियन में, तो डायरेक्ट 300 डिग्री आपको क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फिर डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई रेडियन में कितना से करना पड़ेगा 180 बाई पाई से, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 4π/15 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 में मैं बोलूँ आपको तो 15 में 12 का मल्टीप्लाई करते हो, ये सभी को रिजल्ट पता हो जाना चाहिए कि 15 × 12 कितना होता है 180, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 12 × 4 कितना हो गया 48 डिग्री, 48 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि 1/6 रेडियन है, सी का मतलब क्या है रेडियन, को डिग्री में कन्वर्ट करता, तो मैंने अब अगेन बताया था कि 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो। अब 1/6 इंटू, अब यहाँ तो पाई था नहीं, तो 180 बाई पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, तो 22/7 ऊपर 7 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो अब इस तरह से देखो ये कितना हो जाएगा 11 × 22 90 × 180, तो 9 × 7 = 63, 630/6 देखो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, या तो यहां से भी कटा सकता हूं, इसको भी कटा लेता हूं, 15 × 6 = 90, 15 × 7 कितना हो गया 105 ऊपर हो गया डिग्री डिवाइड बाई 11। अगेन मैं अगर डिग्री में करना है तो इतना आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया कि डिग्री में भी मिनट में भी और सेकंड में भी कन्वर्ट करो, तो इसके लिए मैंने अगेन बताया था 11 का भागा 105 में करोगे तो कितना हो जाएगा 11 × 9 = 99, ये कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15 यानी कि 9 डिग्री कंप्लीट हो गया 9 डिग्री। अब ये 6 डिग्री है, 6 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो कितना हो गया 360 मिनट हो गया, 360 को भी फिर 11 से भाग दो, तो 11 × 3 = 33 कैंसिल, 30 × 11 = 22 यानी कि 8 मिनट बन गया, यानी 32 मिनट ये हो गया। अब ये 8 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री = 60 मिनट, 1 मिनट = 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर 60 480 को भाग देंगे हम 11 से, तो 11 × 44 कैंसिल, 40 × 11 = 33 43 सेकेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 43
सेकेंड, ये फाइनली आंसर, या तो ये भी आंसर हो सकता है, अगर मिनट सेकेंड में दिया तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। 11 डिग्री 15 मिनट को पहले रेडियन में, तो सारे को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट देखो यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया 1/60 डिग्री। तो पहले देखो 11 डिग्री तो ऐसे ही है, 11 डिग्री ऐसे ही है, अब ये 11 प्लस 15 मिनट को कितना, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें 60 से मल्टीप्लाई, यानी 11 प्लस 1/4 यानी कि 11 से 44, 45/4 क्या हो गया ये डिग्री। अगेन मैं आपको समझा दूं, मैंने बताया था कि डिग्री से रेडियन में जाना हो और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, तो रेडियन में कितना 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेना, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखो 45/4 इंटू क्या पाई बाई 180 क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो रेडियन में आ जाएगा, तो अब सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा, पाई बाई 45 में ये अगर मल्टीप्लाई करूं, देखो 45 चौके कितना हो जाएगा ये, तो पाई बाई 16 क्या हो जाएगा रेडियन, सॉरी रेडियन का सिंबल क्या होता है सी, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है कि इसको हमें क्या करना है रेडियन में है, यानी कि क्वेश्चन क्या दिया 13 डिग्री, क्वेश्चन दिया हुआ है 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड को पहले क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सारे को पहले हमें करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट, सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 30 मिनट को मैं क्या करता हूँ, मिनट में 30 सेकेंड को पहले मैं इधर वाला 30 सेकेंड को पहले मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, तो 60 से भाग दूंगा, तो यानी कि 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट पहले देखो, पहले 13 डिग्री है प्लस 7 मिनट था और प्लस 1/2 मिनट और आ गया, यानी कि 13 डिग्री तो ऐसे ही है प्लस ये कितना हो जाएगा 7 दुनी, ये एक डैश का मतलब है मिनट। ठीक है, तो 7 दुनी 14 15/2 मिनट। अब देखो 15/2 मिनट को भी हमें क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 15/2 कर ले 60 से, 15 चौके 60, 1/8 क्या हो गया डिग्री, यानी कि 13 डिग्री प्लस 1/8 डिग्री हो जाएगा, अगर ये डिग्री आ गया। अब डिग्री को मल्टीप्लाई करो, 13/8 कितना हो गया 13/8 104, यानी कि 105/8 क्या हो गया ये डिग्री, हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना था, पाई बाई 180 से, यानी कि 105/8 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो कैंसिल कर दूं, देखो 15 में 15 से भाग करता हूं तो 15 इंटू 12 करता हूं तो कितना होता है 180, और 15 7 कितना होता है 105, यानी कि 7 पाई बाई कितना हो जाएगा 12/96, इतना क्या हो जाएगा रेडियन, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड को रेडियन में बदलो। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि इस क्वेश्चन को लोग डिटेल्स में पढ़ने लगते हैं, डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगते हैं, ताकि लेकिन हमारा काम है एग्जाम क्रैक करना, तो हमें इतना सोचना नहीं होता, हमें अप्रोक्स देखो ऑप्शन क्या दूर दूर दिख रहे हैं, 2018/8000, देखो 8000 तो नीचे सारे में है ही हैं, लेकिन अब देखो थोड़ा सा सोचो कि इधर देखो ऑप्शन में सारे 2800, 3800, 3848 दूर दूर हैं, तो हम क्या करते हैं ये 63 डिग्री को हम क्या अप्रोक्स क्या मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना सके, क्योंकि हमें डिग्री को रेडियन में बदलने आता है ना, डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करने आता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 से, तो 60 डिग्री अप्रोक्स मान लेते हैं इसको, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। 60 डिग्री 60 इंटू क्या पाई बाई 180 का मतलब क्या पाई बाई थ्री, देखो पाई तो है क्या, देखो अब कौन सा वन बाई, देखो पाई को ऐसे निकाल लो 1/3 कौन सा होगा, देखो 28 तिया करोगे ना, तो देखो अगर मैं इसको बोलूं 25 तिया 75, ये अप्रोक्स 1/3 के आ रहा है, ये तो नहीं आ पाएगा क्योंकि नीचे 8000 ही है, तो सारे अगर ये 1/3 होगा तो बाकी तो होंगे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 मार लेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको डिटेल्स में भी समझाता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो देखो इस तरह, लेकिन हमें अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो इस तरह से हम ऑप्शन को मार कर लेंगे, ताकि हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना कि डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जानना है। लेकिन यहां पे आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो यहां पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जैसे देखो हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, ये तो मैं आपको सबसे पहले ही बताया हूं। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड,
तो पहले मैं 51 सेकेंड सारे को मेरे को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सारे को पहले मेरे को करना पड़ेगा डिग्री में। तो 51 सेकेंड है, 51/60 क्या हो जाएगा, मिनट, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट होता है इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो, तो ये इतना क्या हो गया, तो देखो 63 डिग्री + 14 मिनट इनटू, इसको मैं करूंगा तो 14 मिनट प्लस ये मिनट में हो गया, तो 51/60 क्या हो गया, मिनट। तो 63 डिग्री प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा, जब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं, इनको मैं कटा भी लेता हूं, 17 * 51 = 20 * 60, तो 14 * 2 = 28, और देखो हाँ, अब मैं इसको करूं 14 डिग्री + 17/20, 14 मिनट है और 17/20 क्या है तुम्हारा, ये है, ये भी मिनट है। अब मिनट मिनट को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, 63 डिग्री तो पहले है प्लस 14 * 2 = 28, 280 और 17 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 * 8 = 9, ठीक है, 8 * 9 14 * 2 = 28, 28 ये हो गया, ठीक है, 14 * 2 = 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 17/20 को भी मैं कर लेता हूँ अप्रोक्स, देखो 7 * 8 = 9 और 2, 297/ क्या हो जाएगा, 20 मिनट। अब मिनट को भी मल्टीप्लाई करने के लिए 20 60 से भाग कर लेते हैं, तो 63 डिग्री + 297/20 * 60, ये भी क्या हो गया, डिग्री। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल करोगे ना, तो देखो मल्टीप्लाई करके कैंसिल करोगे तो तुम्हारा रियल में आएगा कितना, 25299/400, कैंसिल कर लेना, ये मल्टीप्लाई करके कर लोगे तो ये चीज़ें आएगी। अब ये चीज़ें आने के बाद तुमको क्या होगा, देखो अब इतना करने के बाद ये तुम्हारा डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इतना डिग्री आएगा। इतना डिग्री के बाद मैंने अगेन बताया था कि डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि 25299/400 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से काट लो 20 और ये 9 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2811, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2811/8000 * पाई, ऑप्शन कौन में आ रहा है ये, इसीलिए मैंने बोला था कि डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, हमें बाई ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको चीजें कुछ सिखा देता हूँ। जैसे देखो ये जो होता है ना, ये ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको बोलते हैं लोलक, जिसको बोलते हैं पेंडुलम, कुछ भी बोल लो हिंदी में, ठीक है, ये एंगल जो होता है थीटा, और ये जो होता है, ये होता है लेंथ, चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं, और ये होता है दोनों साइड रेडियस, यानी कि क्योंकि इसको अगर मैं घुमाऊंगा, देखो इसको मैं अगर ऐसे बनाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल, सर्किल का क्या है, एक हिस्सा सेक्टर है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि सेंटर से कोई भी क्या होता है, रेडियस होता है ना परिधि पे, तो इसीलिए ये रेडियस हो गया, ये चाप की लंबाई होता है, तो एक रिजल्ट होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R, लेकिन कंडीशन क्या होता है, थीटा जो होता है रेडियन में, सी का मतलब क्या होता है, सिंबल होता है रेडियन का, थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है, अगर थीटा रेडियन में नहीं हो तो उसको पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, देखो जैसे देखो 50 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, L की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, एक बार डायग्राम बना देता हूँ, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये वाली 50 दिया गया है, एक लोलक जब घूमता है तो 16 सेंटीमीटर की चाप बनाता है, 16 सेंटीमीटर की क्या बनाता है, चाप। देखो अब 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, तो देखो 50 तो ये हो गया ना, रेडियस हो जाएगी ना, देखो क्योंकि हमारे पास एक लोलक है, ये लोलक है, लोलक ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे, ये लोलक पेंडुलम जिसको बोलते हैं, देखो पेंडुलम अगर मैं बता दूं तो ऐसे घूम रहा है, देखो ये पेंडुलम है, इसको मैंने हिला दिया तो ऐसे और ऐसे घूम रहा है, अप डाउन ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अगर थोड़ी सी फिजिक्स की नॉलेज होती तो ये समझ जाते, यानी सिंपल ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस कितनी दी हुई है 50, और घूमता है तो चाप बनाता है, चाप की लंबाई यही तो होता है लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, लो 16 सेंटीमीटर लेंथ दिया, तो इसके द्वारा बना कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R, थीटा, L लेंथ कितना दिया और चाप की लंबाई कितनी है 16, और कितना रेडियस कितना दिया हुआ है 50, नहीं 16/50 को मैं बोलूं तो अगर 2 से डिवाइड कर लूं तो 8/15 रेडियन, इतना डिग्री का कोण बनेगा, इतना रेडियन का कोण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ता है। देखो कैसे सोचोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 1 सेकंड में इतना बार घूमता है,
कोई भी एक पहिया जब एक बार घुमा, एक बार पूरा का पूरा घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लेता हूँ यहाँ से पहिया घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, हाफ अगर घूमा तो 180 डिग्री का लाइन बन जाता है। अगर ये पूरा का पूरा घूम गया तो 180 ऊपर और 180 नीचे, यानी कि एक बार ये कोई भी पहिया घूम रहा है 360 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत है? अगर देखो हमें चाहिए क्या, इतना पहिया घूमेगा 55 रेडियन, सी दिया, सी का मतलब क्या रेडियन। तो पहले एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं 180 डिग्री है तो वो मैंने छोड़ो इसको, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो पाई रेडियन इक्वल टू कितना पढ़े हैं, 180 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। कोई दिक्कत है? पाई रेडियन। तो अब देखो घूम कितना रहा है पहिया, एक बार घूम रहा था 360 डिग्री बनाएगा, तो 360 डिग्री अगर 180 के लिए अगर इसका मैं डबल करता हूं तो इसका भी डबल कर लूं तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 2 पाई रेडियन। लेकिन कितना बार घूम रहा है, 3.5 बार, तो 3.5 इंटू 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो देखो 3.5 बाई 2 पाई रेडियन। अब तुम सोचो थोड़ा सा, देखो 3.5 का मतलब कितना होता है, 7 बाई 2 लिख लूँ इसको मैं, तो 7 बाई 2 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 7 पाई रेडियन। अब 7 पाई रेडियन रियल में 7 पाई रेडियन कितने सेकंड में घूम रहा है, 1 सेकंड में। तो देखो 7 पाई रेडियन 1 सेकंड में घूमता है, तो उसी तरह 55, देखो तो 1 रेडियन कितने में घूमेगा, 1 बाई 7 पाई, तो उस तरह से 55 रेडियन कितने घूमेगा, 55 इंटू 1 बाई 7 पाई। ठीक है, 55 इंटू 1 बाई 7 पाई। अब पाई की वैल्यू देखो 55 बाई 7 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाई 7 रखता हूँ, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी हमारे पास क्या हो गया, 5 बाई 2, यानी कि 2.5 सेकेंड में 55 रेडियन घूम जाएगा। कितने सेकंड में, 2.5 सेकंड में। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं, एक पहिया जब एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये रेडियन है, यहां पे फाइनली निकालना है। तो हमें पहले रेडियन में कितना सेकंड घूमेगा, तो देखो पहला चीज मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। अगर हमें पहिया एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का बनेगा, तो 360 के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि ये डबल है तो इधर भी डबल कर लेना, 2 पाई रेडियन। लेकिन हमारा पहिया एक बार घूमेगा, पहिया एक बार यहां से यहां घूमेगा तो कितना रेडियन बनाता है, 2 पाई रेडियन। तो 3.5 बार घूमेगा तो 3.5 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कितना, 3.5 का मतलब क्या, 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 और 3.5 लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 7 पाई रेडियन। लेकिन 7 पाई रेडियन कितने सेकंड में घूम रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 रेडियन कितने सेकंड में घूमेगा, 1 बाई 7 पाई। लेकिन क्वेश्चन में कुछ रहा है कि 55 रेडियन कितने में घूमेगा, तो 55 इंटू 1 बाई 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दूँ 55 बाई 7 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पाँच 55, यानी कि 5 बाई 2, यानी कि 2.5 सेकेंड में इतना पहिया घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर समय पूछ रहा है तो 2.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण इतना और इतना दिए हुए हैं तो डिग्री में तीसरा कोण क्या होगा। दो कोण रेडियन में दिए हुए हैं, देखो दोनों को जोड़ लूं, देखो तीन कोई भी ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो एंगल दिया होता है, तीसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस बोथ ए प्लस बी। अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर सी निकालना है तो होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री तीनों एंगल का सम। तो अगर मेरे को सी निकालना है तो 180 माइनस दोनों का जो घटा लूंगा तो ये निकल जाएगा, तो यानी दोनों को जोड़ लूँ, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा, 5 बाई 6 रेडियन में, तो रेडियन में 5 बाई 6 रेडियन। अब 5 बाई 6 रेडियन को देखो, 5 बाई 6 रेडियन को डिग्री में, क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरा कौन डिग्री में, तो 5 बाई 6 इंटू, मैं अगेन बता दूँ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे रेडियन है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई, 180 बाई पाई से, यानी 180 बाई पाई। अब 5 बाई 6 इंटू 180 बाई 22 इंटू 7, ये कर लिया 22 इंटू 7, अगर 6 30, 30 5 150, 15 7 105, 10050 बाई 22, ये क्या हो गया डिग्री। अगर इसको मैं बोलूं तो 47 सही 8 बाई, अगर मैं 2 से कटा लूं तो 11, 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 47 सही 11, ये क्या हो गया डिग्री, ये डिग्री हो गया। तीसरा कोण सी वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का सम, 180 माइनस 47 सही 8 बाई 11,
11 डिग्री, यानी कि अगर करना है तो 132 सही 3/11 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसर, घटा लेना इसमें से, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप जो केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है। लो सिंपल था, हमारे पास क्या है, ये 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यही तो आर होता है ना, और 15 डिग्री का कोण बना रहा है, 15 डिग्री का। मैंने अगेन बताया था कि ये थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, ये लेंथ क्या होती है चाप की, लंबाई। तो देखो एल निकालना है तो एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, लेकिन थीटा कंडीशन क्या था, थीटा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे थीटा कितना है, 15 डिग्री, 15 डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 12 रेडियन। लो तो एल निकालना है पाई बाई 12 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 42, हमने एल पाई की वैल्यू रख दूँ 22 बाई 7 इंटू 42 इंटू 12, 7 × 42 6 × 12 11 × 22, तो लेंथ कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ तो गया है ट्रिगोनोमेट्रिक में, लेकिन ये क्वेश्चन रियल में कहूँ तो क्लॉक का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5:20 AM पर क्वेश्चन कर रहा है कि 5:20 AM पर, 5:20 AM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर, तो एक फार्मूला याद रख लेना कि अंतर में बना कोण, देखो कोण जो बनता है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, वो फार्मूला होता है 11/2m − 30mh, एम फोर क्या मिनट वाली सुई और एच फोर क्या आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई, एच ओ यूर आवर, आवर वाली सुई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करेगी 5:20, यानी ये आवर वाली सुई कितनी है 5 पे है और मिनट वाली सुई कितनी है 20 पे है, यानी एम की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू कितनी हो गई 5, बस फार्मूला में रख लो कोण में, तो 111/2 × 20 − 30 × 5, बस देखो 11 इंटू कितना हो गया 10 माइनस 150, 11 दहा में कितना होगा, 11 दहा में 110 माइनस 150 यानी कितना हो जाएगा −40। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मोड, मॉडुलस, मॉडुलस में कोई भी नंबर निगेटिव हो तो क्या बन जाता है पॉजिटिव, यानी कि 40 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट।